बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ईमान। हॉलीवुड की अदाकारा कैमरन डियाज ने सिर्फ हॉलीवुड के ही नहीं बल्कि दुनिया के बनाए हुए खूबसूरती के मायारात से भी मुंह मोड़ लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 49 साल अदाकारा ने इंकशाफ किया कि वो अब अपनी जाहिरी खूबसूरती जैसे शक्ल के बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अरबों की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मालिक होने के बावजूद इनसे कभी अपना चेहरा नहीं धोती। उन्होंने कहा कि मैं भी उन तमाम समाजी एतराजात और इस्तेहसाल का शिकार हुई जिनका खवातीन को निशाना बनाया जाता है और एक वक्त में मैं भी ये सब प्रोडक्ट्स यूज करती थी। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए अदाकारा ने हॉलीवुड छोड़ने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में बात की। कैमरन डियाज ने हॉलीवुड को एक जाल करार दिया जिसमें इंसान फंस कर रह जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक काम छोड़ने के बाद डियाज ने तकरीबन 100 मिलियन डॉलर की फिल्म की पेशकश ठुकरा दी लेकिन उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है। इस अदाकारा का शुमार हॉलीवुड की मायानाज अदाकारों में होता था और उनके क्रेडिट पर मारूफ फिल्में हैं जैसे चार्लीज एंजल, श्रेक वगैरह शामिल हैं। उनकी 20 साल करियर की आखिरी फिल्म 2014 में जारी हुई जिसका नाम एनी था। कैमरन डियाज ने अपने करियर का आगाज 1994 की मशहूर फिल्म द मास्क से किया जिसमें उनके साथी अदाकार जिम कैरी थे, जबकि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान 2018 में किया था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।